बिजली विभाग की लापरवाही से किसान परेशान। बुलंदशहर खुर्जा में गांव समसपुर में ओवरलोडिंग होने की वजह से ट्रांसफार्मर आए दिन खराब हो जाते हैं, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस परेशानी को लेकर किसान यूनियन आज समाधान दिवस में पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई, और यह आरोप भी लगाया कि बिजली विभाग किसानों से वादा खिलाफी कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन चूनी के तहसील अध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने बताया कि गांव समसपुर में ओवरलोडिंग होने की वजह से ट्रांसफार्मर आए दिन खराब हो जाते हैं, जिससे किसानों को खासा परेशानी होती है। यूनियन का आरोप है कि विद्युत विभाग ने 3 दिन का समय लेकर समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी अब तक विद्युत विभाग की समस्या से निजात नहीं दिला पाया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही विद्युत विभाग ट्रांसफार्मर पर ओवरलोडिंग की समस्या से ग्रामीणों को निजात नहीं दिलाता है तो संगठन के बैनर तले किसान यूनियन महापंचायत कर उचित फैसला लेगी। जबकि इस समाधान दिवस में एडीएम प्रशासन डॉक्टर प्रशांत कुमार, उप जिलाधिकारी खुर्जा लवी त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी दिलीप सिंह सहित अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बुलंदशहर खुर्जा से राकेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रदीप चौधरी, तहसील अध्यक्ष खुर्जा। आप कोतवाली आए हो, क्यों आए हो? ये कोतवाली आए थे हम, समसपुर गांव का एक मसला है ट्रांसफार्मर का, जो 10 KVA का ट्रांसफार्मर है उन पर ओवरलोडिंग चल रही है। किसी पे 17 कनेक्शन है, किसी पे 20 कनेक्शन है, तो उस पर वो बार बार फूक जाते हैं ओवरलोडिंग की वजह से। 5 फरवरी को पंचायत हुई थी गाँव समसपुर में, वहाँ एच डी ओ साहब पहुँचे थे, तो उन्होंने वायदा किया था कि 3 दिन में हम 4 ट्रांसफार्मर दे देंगे, चेंज कर देंगे इनके, ओवरलोडिंग की समस्या कुछ समाप्त हो जाएगी। तो इन्होंने 3 दिन मांगे थे, हमने 2 दिन एक्स्ट्रा दे के 5 दिन का समय दिया था, जो 10 फरवरी को ख़त्म हो गया, और एसडीओ साहब ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो किसान जो है गुस्से में है समझ चुके, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर कल तक हमारी समस्या दूर नहीं हुई तो हम सोमवार को फ्लाईओवर पर फिर महापंचायत करेंगे।